और ग्रेटे के तमाम खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ आस्था सिन्हा। खबरों के और आगे पढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ग्रेडी में भी रही चित्रगुप्त पूजा की धूम। शहर के विभिन्न स्थानों पर मूर्ति स्थापित कर श्रद्धा भाव से की गई आदि देव चित्रगुप्त की पूजा। कायस्थ समाज ने किया आयोजन। कई स्थानों पर भैयारी का भी हुआ प्रबंध। शहर में दो बड़ी योजनाओं का शिलान्यास विधायक निर्भय सहवादी के हाथों कराया गया। इस दौरान टुंडी रोड के मरम्मति का शिलान्यास विधिवत रूप से किया गया। वहीं नेताजी चौक से लेकर डुमरी रोड टोल टैक्स तक के जीर्णोद्धार की आधारशिला भी रखी गई। मगतपुर के मार्क्स इंफोसिस में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीम के मदद से घंटों मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। लाखों के नुकसान का अंदेशा। और काली पूजा के विसर्जन मौके पर बंगला स्कूल में दिखा बंगाली संस्कृति का विहंगम स्वरूप। सिंदूर खेल का हुआ भव्य आयोजन। विवाहित महिलाओं ने एक दूसरे के गालों पर सिंदूर लगाकर उन्हें दी काली पूजा की शुभकामनाएं। अब खबरें विस्तार से। आदि देव चित्रगुप्त की पूजा गिरिडीह के विभिन्न स्थानों पर भी खूब धूमधाम और श्रद्धा भाव से की गई। मौके पर भारी संख्या में समाज से जुड़े लोगों ने जुटकर पूजा अर्चना की और अपनी एकजुटता का परिचय दिया। कायस्थों के कुल पुरोधा आदि देव भगवान चित्रगुप्त की पूजा गिरिडीह में खूब धूमधाम से की गई। इसको लेकर विभिन्न स्थानों पर विशेष व्यवस्था की गई थी कि अलग अलग स्थानों पर मूर्ति स्थापित कर कायस्थ समाज के लोगों ने आदि देव की आराधना की। इस दौरान बाल लाइब्रेरी में केंद्रीय चित्रगुप्त पूजा समिति की ओर से भव्य व्यवस्था की गई थी। यहां अधिवक्ता संघ और समाज के प्रबुद्ध लोगों ने मिलकर चित्रगुप्त पूजा की। बाद में यहां सामूहिक खानपान की व्यवस्था की गई थी। परिवार की जय। इसी तरह बरमसिया स्थित दुर्गा मंडप में नव युवक समिति की ओर से चित्रगुप्त पूजा आयोजित की गई। यहां आसपास के कायस्थ समाज के लोग जुटकर सामूहिक पूजा में शामिल हुए और भगवान चित्रगुप्त को नमन किया। इसी तरह राष्ट्रीय कायस्थ वृंद की ओर से करबला रोड स्थित चित्रांश भवन में पूजा आराधना की गई। यहां भी काफी संख्या में समाज के लोग जुटकर इस अनुष्ठान में शामिल हुए। इसकी तरह इस वर्ष भी हम लोग राष्ट्रीय कायस्थ वृंद के बैनर के तहत चित्रांश भवन हमारे स्थायी कार्यालय में गिरिडीह इकाई का हम लोग पिछले पंद्रह वर्षों से चित्रगुप्त पूजन करते आ रहे हैं। और चित्रगुप्त पूजा के बाद भैयारी का भी आयोजन यहाँ पे किया जाता है। अभी हमारी भैयारी चल रही है। आपसे आग्रह कि आप भी खाके जाएंगे। यहाँ पे हमारे युवा सचिव और युवा अध्यक्ष, युवा कार्यकर्ता एवं रंजीत, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है इस पूजा को सफल बनाने में। इधर फॉरेस्ट कॉलोनी में भी समाज के लोगों के द्वारा चित्रगुप्त पूजा का आयोजन किया गया। यहाँ भी काफी संख्या में कायस्थ बंधु जुटकर भगवान चित्रगुप्त को नमन किया। लगता
जो शादी का फोटो हम लोग आज जी में आज द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष चित्रगुप्त पूजा बहुत धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ फॉरेस्ट वन विभाग प्रांगण मोहनपुर में मनाई जा रही है, जिसमें सभी सदस्यों का बहुत योगदान रहा, जिसके लिए हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और आशा करते हैं भगवान चित्रगुप्त उनके जीवन में हंसी खुशी लाए, समृद्धि लाए। इसी तरह मकतपुर स्थित पंच मंदिर में भी चित्रगुप्त पूजा की गई। यहाँ भी समाज से जुड़े कई प्रमुख लोग व्यवस्था में शामिल थे। कुल मिलाकर गिरिडीह में खूब श्रद्धा और आस्था के साथ आदि देव की पूजा आराधना की गई। इस दौरान कायस्थ समाज ने अपनी एकजुटता का परिचय दिया। लगाते हैं उसकी लंबी उम्र की कामना करते हैं और चित्र भगवान की भी पूजा, कलम दवात की पूजा करते हैं। मैं पूरे गिरिडीह वासियों को चित्र भगवान की पूजा के लिए बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं। भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। उसी दिन पाप और पुण्य, पृथ्वी पर आना और जाना, मनुष्य योनि का, इन सबों का लेखा जोखा रखने वाले भगवान चित्रगुप्त, जो हमारे कायस्थ जाति के आराध्य देवता हैं, उनकी पूजा अर्चना हम कायस्थ समाज के लोग पूरे भारत में बड़ा ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाते रहे। काली पूजा के उपलक्ष्य में सोमवार रात बंगला स्कूल परिसर में बच्चों के बीच डांस प्रतियोगिता कराई गई। इस प्रतियोगिता में बच्चों ने अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर कर अद्भुत समा बांधा। काली पूजा के अवसर पर सोमवार रात बंगला स्कूल परिसर में बच्चों के बीच डांस प्रतियोगिता कराई गई। रविन्द्र ग्रंथागार समिति की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में कई बच्चों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। मौके पर बच्चों के प्रस्तुतिकरण से माहौल खुशगवार हो उठा। तमाम लोगों ने बच्चों के प्रतिभा की मुक्त कंठ से सराहना की। अंत में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। यहां इस कार्यक्रम की सफलता में समिति के तरुण मुखर्जी, विश्वनाथ पाल, मंटू मुखर्जी, पिंटू मुखर्जी, दिलीप चटर्जी, संदीप पटेल जी आदि लोग लगे हुए थे। Hold on.
विसर्जन मौके पर बंगला स्कूल में बंगाली संस्कृति की विहंगम स्वरूप देखने को मिला। वहां महिलाओं ने सिंदूर खेल का आयोजन किया, जिससे एक मनमोहक छटा फिजाओं में बिखर गई। गिरिडीह बंगला स्कूल में काली पूजा के विसर्जन मौके पर बंगला संस्कृति के एक अद्भुत स्वरूप का दर्शन हुआ। परंपरा के मुताबिक विदाई के दौरान सिंदूर खेल का आयोजन किया जाता है। इस बार भी भारी संख्या में महिलाएं व युवतियां सिंदूर खेल में शामिल होकर इस परंपरा का निर्वहन किया। मौके पर उत्साह और उल्लास से माहौल भरा रहा। हालांकि मां के विदाई की बेला में धीरे धीरे माहौल भावुक भी हो चला। बताया गया कि सिंदूर खेल एक पौराणिक परंपरा है। हर बरस भगवती की विदाई के मौके पर विवाहित महिलाएं एक दूसरे के गालों पर सिंदूर लगाकर उन्हें काली पूजा की बधाई देती है। गिरिडीह विधायक निर्भय शहबादी के हाथों मंगलवार को शहर में दो बड़ी योजनाओं का शिलान्यास किया गया। बताया गया कि इन योजनाओं के पूरा होने से गिरिडीह वासियों को काफी सहूलियत उपलब्ध हो जाएगी। गिरिडीह टुंडी रोड के खास्ता हाल सड़कों की चर्चा हमेशा होती थी, लेकिन अब इस चर्चा पर जल्द ही विराम लग जाएगा। मंगलवार को
विधायक निर्भय सहबादी के हाथों सड़क की मरम्मत और चौड़ीकरण के कार्य का शिलान्यास विधिवत रूप से किया गया। बताया गया कि 23 करोड़ की लागत से सड़क का निर्माण कराया जाना है। वहीं शहर के नेताजी चौक से लेकर चैताडीह डुमरी रोड टोल टैक्स तक के सड़क के जीर्णोद्धार का शिलान्यास भी विधायक के हाथों कराया गया। बताया गया कि इस सड़क पर कुल 1,33,00,000 की लागत आएगी। दोनों स्थानों पर विधायक के साथ भाजपा के कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। और 23 करोड़ की राशि से बड़ा चौक से लेकर के चतरो तक कहेंगे कि मुंगिया की जो फैक्ट्री है वहां पर, वहां से पूरा ये सड़क चकाचक हो जाएगा। आज इसका हम लोगों ने शुभारंभ किया है। बहुत मेहनत मशक्कत के बाद काफ़ी पेच इसमें थे, पेचों को समाप्त करके इसको धरातल पे उतारने के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपनी सरकार और सरकार के मुखिया रघुवर दास जी को। उन्होंने इसके ऊपर में वीटो लगा करके इसको काम को कराया है। ये जो बड़ा चौक से लेकर के छतरों तक काम होना है ये 23 करोड़ की राशि से होगी और इसका चौड़ीकरण होगा। 10 मीटर चौड़ी सड़क होगी और दोनों ओर नाली का निर्माण होगा और लगभग 8 किलोमीटर ये रोड है, जो हम कह सकते हैं कि आज चतरो से आप अगर गोविंद फूट जाएंगे, जो सड़क अच्छी चमचमाती हुई सड़क नजर आ रही है, यहाँ से ही शुरुआत होगी। मारवाड़ी युवा मंच ने सोमवार शाम वार्षिक दीपावली मिलन का आयोजन किया। यहां विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं और कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया। मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह द्वारा सोमवार शाम को श्याम सेवा समिति सभागार में राजस्थानी समाज का वार्षिक दीपावली मिलन का आयोजन किया गया। साथ ही ICSE, CBSE, CA, CS, IIT आदि में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इसके अलावा मंच के 23 कार्यकर्ताओं को वर्ष 2018-19 के विशिष्ट कार्यों के लिए भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर अशोक जैन पांड्या व प्रदीप अग्रवाल शामिल थे। मौके पर अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश मोदी, शाखा के अध्यक्ष गोपाल संथालिया, संयोजक नीलकमल भरतिया, सचिव अमित बाछुका, डॉक्टर शालिनी खोवाला, प्रमोद कुमार, कोषाध्यक्ष अभिषेक छापरिया, सह संयोजक आशीष जालान, रवि अग्रवाल, आयुष दीपक जैन, रोहित रुंगटा समेत समाज के कई लोग मौजूद थे। परिवार वाले शहर के ऊपर अन्य पधारे सभी गण्यमान्य व्यक्ति
और हमारे मीडिया के और पत्रकार भाइयों और जितने भी और लोग यहाँ पर उपस्थित हैं सबों को सबसे पहले मैं आज इस पावन पर्व दिवाली मिलन जो दिवाली मिलन के नाम से आज ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है निश्चित ही नई प्रतिभाओं को भी प्रोत्साहित करने का वो एक उसमें प्रोग्राम सम्मिलित है। सबों को मेरी ओर से और मारवाड़ी युवा मंच की ओर से मैं दिवाली की हार्दिक बधाई देता हूँ और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। हैप्पी दिवाली एंड आज यह प्रतिभा सम्मान में या अवार्ड मिलने में मुझे बहुत ही खुशी हुई है और इसके लिए मैं अपने पेरेंट्स मम्मा पापा घर वाले परिजन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी और एवरीवन माय फैमिली माय टीचर्स माय फ्रेंड्स हूएवर हैव सपोर्टेड मी थ्रू आउट दिस आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरीवन एंड विद दिस डिग्री आई वुड लाइक टू हेल्प एनीवन हु इज नीडी और हु वांट्स टू बी ट्रीटेड बट मे बी कैनॉट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस दैट्स व्हाई आई एम हियर एंड दैट्स इट नाउ आई हैव अचीव्ड इट एंड आई वुड लाइक टू हेल्प ईच एंड एवरीवन। दिव्यांग जन कल्याण संघ ने टावर चौक पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का पुतला दहन किया। बताया गया कि निशिकांत दुबे ने दिव्यांगों के प्रति अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया था जिसका वे विरोध कर रहे हैं। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दिव्यांगों के प्रति अपमानजनक शब्द प्रयोग करने का विरोध गिरिडीह में भी हो रहा है। मंगलवार को दिव्यांग जन कल्याण संघ ने आक्रोश व्यक्त करते हुए टावर चौक पर निशिकांत दुबे का पुतला दहन किया। यहां कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष राजेश तिवारी कर रहे थे। बताया गया कि जामताड़ा में जनसभा को संबोधित करने के दौरान गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने दिव्यांगों के प्रति अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया था जिससे दिव्यांग जनों में काफी रोष है और इसी को लेकर वे आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकलांग शब्द को हटाकर दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया लेकिन मोदी जी द्वारा दिए गए सम्मान का उन्हीं के सांसद ने घोर अपमान किया है और RPWD एक्ट 2016 के धारा 92 की धज्जियां उड़ाई है। अगर गोड्डा सांसद अपने वाणी को वापस नहीं लेते हैं या माफी नहीं मांगते हैं तो दिव्यांग संघ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा और प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति तक अपनी आवाज पहुंचाएगा। यहां इस अवसर पर झारखंड विकलांग मंच के जिलाध्यक्ष गुरुचरण ठाकुर, जनकल्याण संघ के जिलाध्यक्ष राजेश्वर तिवारी, संचालक पप्पू कुमार दास, प्रभारी सचिव नसीमुद्दीन, मनोज वर्मा, तबस्सुम प्रवीण, प्रखंड अध्यक्ष उस्मान अंसारी, उपाध्यक्ष कालेश्वर प्रसाद साव, फिदा हुसैन, हनीफ खान, विनोद यादव, मोहन तुरी, भुवनेश्वर पंडित समेत सैकड़ों दिव्यांग उपस्थित थे। उन्होंने बोले कि बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, बहुत बढ़िया पार्टी है और बीजेपी पार्टी में अभी मोदी जी के शासनकाल में लेंगड़ा लूल्हा अंधरा काना कुरा जो भी आता है सब जीत जाता है और सबको सम्मान दिया जाता है सब लेंगड़ा लूल्हा अंधरा काना को जो कि RPWD एक्ट 2016 की जो कानून बनी है धारा 92 में इसमें स्पष्ट किया गया है कि इसी तरह का उपनाम से किसी को ना बोले लेंगड़ा लूल्हा काना ना बोले अन्यथा उसके ऊपर 6 साल की सजा हो सकती है और 50,000 तक जुर्माना किया जा सकता है जो कि उन्होंने RPWD 2016 को अपमानित किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकलांग शब्द को हटा करके दिव्यांग शब्द दिए जो कि सांसद जी ने प्रधानमंत्री जी को भी अपमानित किए जो कि उन्होंने दिव्यांग शब्द को नाम दिए और आज ये गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे जी ने नेंगरा लूल्हा अंधरा काना बहरा करके ये संबोधित। इन दिनों गिरिडीह में आग का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। माइका फैक्ट्री, गोदाम और कपड़ा दुकान के पास सोमवार शाम मगधपुर स्थित मार्क्स इंफोसिस कंप्यूटर दुकान में आग लग गई। घटना से इलाके में देर तक अफरा तफरा मची रही। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम की मदद से आग पर काबू पा लिया गया।
घटना में लाखों के नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। गिरिडीह शहर के मकतपुर रोड स्थित शांति भवन के समीप मार्क्स इन्फोसिस में सोमवार की देर शाम भीषण आग लग गई। घटना के दौरान शोरूम के मालिक राजन जैन और अमित जैन वहां मौजूद नहीं थे। घर पर बच्चे पटाखा फोड़ रहे थे। संभावना जताई जा रही है कि आतिशबाजी की चिंगारी घर के पीछे रखे कंप्यूटर पार्ट्स के ढेर पर पड़ गई, जिस पर किसी की नजर नहीं गई और इस चिंगारी ने भीषण आग का रूप ले लिया, जिससे कंप्यूटर पार्ट्स समेत अन्य कई सामान जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों ने जब आग की लपटें उठते देखा तो काफी संख्या में आग बुझाने दौड़ पड़े, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि काबू नहीं पाया जा सका। आगजनी की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। स्थानीय लोगों में भीषण आग से दहशत का माहौल बना हुआ है। इस आगजनी से कितने का नुकसान हुआ उसका आकलन अभी नहीं किया जा सका है। आग में अनुमानित करीब लाखों का नुकसान हुआ है, जिसमें अधिकांश बैटरी और कंप्यूटर के सामान इत्यादि और जो भी वहाँ पे स्टॉक में रखा हुआ था गोडाउन में सामान, वो सब जलकर राख हो गई। नहीं, कंप्यूटर दुकान मेन दुकान में नहीं लगी, जहाँ पे गोडाउन थी वहाँ पर आग लगी है। दुकान के अंदर में आग नहीं लगी, दुकान के अंदर में पानी और वहाँ के जो धुएं से जो खराबी हुई है वो हुई है। फर्नीचर वगैरह को नुकसान पहुँचा और साथ में वहाँ जो कागजात रखे हुए थे, फाइल वगैरह, वो सब जल गई। गांव थाना क्षेत्र में पिछले दिनों ट्रैक्टर की चपेट में आने से मोहम्मद फिरोज नामक व्यक्ति घायल हो गया था। सोमवार रात इलाज के दौरान सदर अस्पताल में उसकी मौत हो गई। गांव से पासोडीह मुख्य सड़क पर हरला में देर शाम ट्रैक्टर की चपेट में आकर घायल हुआ हरला निवासी फिरोज खान की मौत इलाज के दौरान गिरिडीह सदर अस्पताल में हो गई। बताया गया कि फिरोज खान अपने घर पैदल जा रहे थे, उसी बीच ट्रैक्टर की चपेट में आकर बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिसके बाद परिजनों एवं स्थानीय ग्रामीणों ने घायल को अस्पताल पहुंचाने की जगह सड़क पर ही घायल को रखकर सड़क जाम कर दिया था, जिसे काफी मशक्कत और प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद 108 की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गांववाल ले आया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह रेफर कर दिया गया था। फिरोज खान उम्र 40 साल, एक पेशेंट आए थे, आरटीए का केस था रोड एक्सीडेंट का, ट्रैक्टर के द्वारा उनका हेड इंजरी हुआ है और ब्लीडिंग काफी सीरियस है, तो उनको बेहतर मैनेजमेंट के लिए गिरिडीह सदर हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। सैरिया के बकराडी गांव में सोमवार रात हाथियों के झुंड ने फिर उत्पात मचाया और काफी मात्रा में फसल को क्षतिग्रस्त कर दिया। इधर ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग को आवेदन देने के बाद भी किसी ने अभी तक स्थिति का जायजा तक नहीं लिया। सैरिया प्रखंड के मोकामो पंचायत के बकराडी गांव में सोमवार रात 16 हाथियों के झुंड ने काफी उत्पात मचाया, जिससे किसानों का धान यानी करीब 40 कट्ठा खेत में उपजे फसल को हाथियों ने बर्बाद कर दिया। इससे पहले 22 अक्टूबर की रात को हाथियों के झुंड ने तबाही मचाई थी। ग्रामीणों ने बताया कि सरिया रेंज ऑफिस वन विभाग को एक आवेदन भी दी गई थी, लेकिन वन विभाग का कोई भी अधिकारी अभी तक यहां की स्थिति देखने तक नहीं आया है। सरिया के जंगल में अभी तक गजराज डेरा लगाए हुए हैं और बकराडीह के ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। बताया गया कि ग्रामीण मोहन कुमार वर्मा अपने गांव आने के क्रम में हाथियों के झुंड से बाल बाल बचे हैं। हाथियों की वजह से
कई ग्रामीणों के फसल को भारी नुकसान हुआ है। और सब लोग का जैसे आज रात 27/10/2019 को आया और देखिए पूरा फसल जो है एकदम खा के हाथी ने पूरा बर्बाद कर दिया है। सब बाली काट काट के और सब गिरा दिया और एक खेत नहीं, जितना हमारा खेत है हर खेत में गया है और पूरा खेत को मतलब एकदम नुकसान कर दिया है। कितना कट्ठा कम से कम? कम से कम रखिए ना 75 कट्ठा जमीन मतलब बर्बाद किया है। कम से कम 10 एकड़ और हमारे साथ में भी मतलब अगल बगल जितना है सबका नुकसान हुआ। हम लोग मतलब रेंजर के पास जा रहे हैं, आ रहे हैं, आवेदन भी दिए लेकिन उसका भी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है। सब धान तान खा गए यार, आटा तटा घर से निकाल के खा जाए, अलुआ तलुआ सब खा जाए यार, ये भीड़ सब तोड़ दे है, जाल माल देखो है, सब दिन हाथी और थी एवं कर सरियो गल के वहाँ से कोई ना आयल थी। क्या हुआ, आश्वासन क्या मिला? बोल जी बोल फिर एवं कर। महापर्व छठ की नजदीकियों के साथ छठ घाटों में तैयारियां तेज हो गई है। इसी कड़ी में मेयर सुनील पासवान, एसडीएम राजेश प्रजापति अपनी टीम के साथ विभिन्न छठ घाटों में हो रही तैयारियों का जायजा लिया और संबंधित लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लोक आस्था का महापर्व छठ के दस्तक हो चुकी है। छठ घाटों में तैयारियां शुरू हो चुकी है। छठ घाटों की साफ सफाई और व्यवस्था का जायजा लेने के लिए मंगलवार को मेयर सुनील पासवान, एसडीएम राजेश प्रजापति, उप महापौर प्रकाश सेठ, नगर आयुक्त अनिल कुमार, भाजपा नेता संदीप डंगाइच, मोतीलाल उपाध्याय आदि ने सफाई निरीक्षण किया। इस दौरान नगर निगम के अन्य कर्मचारियों के साथ नगर निगम क्षेत्राधीन छठ घाटों यानी अर्घा घाट, शिव शक्ति घाट, दीनदयाल घाट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में व्रतियों एवं श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो इसकी पूरी व्यवस्था का पूजा समितियों को निर्देश तथा संबंधित निगम कर्मचारियों को निर्देश दिया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि लगभग 30 हाइवा डस्ट की आवश्यकता विभिन्न छठ घाटों पर है, जिसकी आपूर्ति के लिए आज से ही विभिन्न घाटों पर डस्ट गिराने का निर्देश दिया गया है। बताया गया कि मजदूर तथा जेसीबी घाटों की साफ सफाई में लग गए हैं। आवश्यकता अनुसार घाट क्षेत्रों में लाइट लगाने का निर्देश प्रभारी श्री शंभु सिंह को दे दिया गया है। बताया गया कि कार्यों की प्रगति का सतत समीक्षा की जाएगी और 2 दिन के बाद पुनः एक बार निरीक्षण किया जाएगा। छठ पूजा को देखते हुए मद्देनजर छठ पूजा अब 31 तारीख से नहा खा से आस्था का पर्व शुरू होने जा रहा है, उसके लिए पूरा नगर निगम की टीम के साथ हम लोग सभी लोग निकले हैं घाट निरीक्षण के लिए, जिसको कि जिसका कि अर्घा घाट से शुरुआत करते हुए शिव शक्ति घाट, दीनदयाल घाट, मेट्रो घाट के अलावा शास्त्री नगर घाट, बोरो बुढ़वा आहार, 28 नंबर लखारी, कुल जितने भी हमारे निगम क्षेत्र में पड़ने वाले घाटों का साफ सफाई का कराया जा रहा है। इसमें हम लोगों के सब साथ में सभी नगर निगम की पूरी टीम, एसडीओ साहब और नगर आयुक्त हमारे और भारतीय जनता पार्टी के नेतागण सभी शामिल हैं और इस कड़ी में देख करके छठ पूजा में छठ व्रतियों को कहीं पर कोई भी तरह का असुविधा नहीं हो इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा और छठ घाट की सफाई पूरे तरह से होगी। और जिस साइड नदी में इस बार पानी है और यदि अधिक कहीं दाह बन गया है, गड्ढा अधिक हो गया है, तो वहाँ पर हम लोग ब्रैकेटिंग भी लगवाने का काम करेंगे। सर्वेक्षण करवाया है, 17-18 घाट हैं छोटे बड़े मिलाकर, वहाँ पर सफाई के लिए आज से मैंने 150 अतिरिक्त लेबर को और नियुक्त कर दिया है, प्रतिनियुक्त किया है। दो हाइवा जो है 30 हाइवा करीब डस्ट हमको हर एक जगह सब कुल मिला के पड़ेगा, डस्ट का भी ऑर्डर दे दिए हैं डस्ट गिराने के लिए, 2 JCB भी हम बढ़ा दिए हैं ताकि जल्दी कम समय में उसको बराबर कर ले। अपना हमारा जो इक्विपमेंट है बकेट वगैरह वो सब अलग से काम करेगा, रात में जैसे दर्द मिल जाता है नगर निगम का और जो हम जो जैसे भी बढ़ाए हैं सब मिलकर सब जगह बराबर कर देगा, किसी भी प्रकार की किसी की कोई शिकायत नहीं रहेगी। और इसके बाद भी अगर किसी का कोई डिमांड आता है तो मैं उसको फुलफिल करूंगा। अंत में एक बार फिर आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
गिरिडीह में भी रही चित्रगुप्त पूजा की धूम। शहर के विभिन्न स्थानों पर मूर्ति स्थापित कर श्रद्धा भाव से की गई आदि देव चित्रगुप्त की पूजा। कायस्थ समाज ने किया आयोजन, कई स्थानों पर भैयारी का भी हुआ प्रबंध। शहर में दो बड़ी योजनाओं का शिलान्यास विधायक निर्भय सहवादी के हाथों कराया गया। इस दौरान टुंडी रोड के मरम्मती का शिलान्यास विधिवत रूप से किया गया। वहीं नेताजी चौक से लेकर डुमरी रोड टोल टैक्स तक के जीर्णोद्धार की आधारशिला भी रखी गई। मगतपुर के मार्क्स इंफोसिस में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीम की मदद से घंटों मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू, लाखों के नुकसान का अंदेशा। और काली पूजा के विसर्जन मौके पर बंगला स्कूल में दिखा बंगाली संस्कृति का विहंगम स्वरूप। सिंदूर खेल का हुआ भव्य आयोजन, विवाहित महिलाओं ने एक दूसरे के गालों पर सिंदूर लगाकर उन्हें दी काली पूजा की शुभकामनाएं। अन्य खबरों के साथ, तब तक दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।